नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते हैं, आप परिणाम के इंतजार में हैं, लंबे समय से परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वह करेंगे तो आपका परिणाम बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लैब टेक्नीशियन के जितने भी अभ्यर्थी थे नियुक्ति पत्र के लिए काफ़ी परेशान थे और उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश रावत, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत ने अभ्यर्थियों का बहुत ही समर्थन किया है और उन्हीं के वजह से 729 जो लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई थी उन्हें अब नियुक्ति मिलने जा रही है। तो जितने भी परिणाम पेंडिंग हैं और हर विभाग के अध्यक्ष होते हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होते हैं, अगर आप वीडियो 2018 के अभ्यर्थी हैं या अन्य भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, परिणाम जारी नहीं हो रहा है, तो आप विभाग के अध्यक्ष से मुलाकात करें और उनसे अपनी समस्या कहें। आप मानकर चलिए कि आपका परिणाम बहुत जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि ट्विटर अभियान से कुछ होगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास यूनियन है तो आप उनसे मुलाकात करिए, अगर आपका वह समर्थन करेंगे तो आपका परिणाम बहुत जल्द से जल्द जारी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ छोड़कर विभाग के अध्यक्ष से मुलाकात करें, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हों चाहे अन्य भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थी हों। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।